सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो ये सब पढ़कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये एक रुपए भी क्यों दें? तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता, ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर इंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को, और हाँ जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिंड होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। आज का जो कार्य है क्वेश्चन नंबर 34 से शुरू करेंगे, तो इस पर आप एक स्टार लगा लो। तो आज के हमारे क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों वैसे सारे, और चैप्टर जो है वो अब अंतिम सांसों की तरफ ही है ऐसा आप समझ सकते हैं। माला नीला एंड कला वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:2:1 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च वॉज। तो बैलेंस शीट में आपको क्या क्या नजर आया? तो चॉकलेट जो बच्चे कह रहे हैं इसका मतलब वो नशे में हैं, तो आप इसका मतलब अपने वही बचकानी हरकतों से अभी तक नहीं उबर पा रहे हो। आप खाली पहला वर्ड पढ़ते हो और एकदम से कूदना शुरू कर देते हो। तो आपने खाली रिजर्व वर्ड पढ़ा और आप कह रहे हो चॉकलेट, पूरा भी तो पढ़ना है आगे। रिजर्व क्या लिखा है? रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो आपको याद है जब आप आज से 5 साल पहले छोटे छोटे बच्चे थे क्लास 11th में, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर हुआ करता था, उसमें एक टर्मिनोलॉजी थी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद है? याद है, पहले तो ये बताओ कि याद है भी या नहीं। तो ये वो है, इट इज अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेसिकली। तो ये कोई चॉकलेट चुकलेट नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस ये एक नॉर्मल प्रोविजन है। तो आप ऐसे लिख लो, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। बाकी बस एक एग्जिस्टिंग गुडविल है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको क्या सिखाया है बताओ? कि इट इज एज गुड एज, इट इज एज गुड एज मशीन या प्लांट या बिल्डिंग कुछ भी। इसका मतलब इस चैप्टर में इसको राइट ऑफ नहीं करना। अगर मान लो आपका चेंज इन पीएसआर चैप्टर होता तो आप क्या करते? राइट ऑफ। एडमिशन होता तो क्या करते? राइट ऑफ। रिटायरमेंट या डेथ होता तो आप क्या करते? राइट ऑफ। इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ नहीं होती,
इस चैप्टर में एग्जिस्टिंग गुडविल भी इज जस्ट लाइक मशीन प्लांट या बिल्डिंग, ठीक है ना। तो दो बातें शुरू में इंपॉर्टेंट हो गई, और थोड़ी सी घबराहट पैदा करने के लिए उसने ऐसे दे रखा है 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड और 1000 शेयर्स इन वाई लिमिटेड। तो इसका मतलब है कि हमने किसी एक्स लिमिटेड के अंदर 100 शेयर्स और किसी वाई लिमिटेड के अंदर 1000 शेयर्स खरीद रखे हैं। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली आपको इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो इसको आप मार्क करके लिख लेना, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका एसेट जो दे रखा है ये इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है ना। चलो तो बाकी तो आपको पता ही है कि क्या कलाकारी होती है, तो ये सब बातें तो हमें पढ़नी नहीं है। तो वो कह रहा है शो लेजर अकाउंट्स, तो आपको कौन कौन से लेजर बनाने हैं बताओ। ठीक है, तो बनाओ तीन ढांचे सुंदर सुंदर, सॉल्यूशन। पहला ढांचा रियलाइजेशन अकाउंट बना लो आप, 12 लाइनों का बड़ा सा ढांचा। उसके बाद दूसरा ढांचा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? तीन, तो तीन पार्टनर वाला बना लो। डेबिट क्रेडिट, और पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं? MNK, ओके। MNK, और तीसरा ढांचा कौन सा? बैंक अकाउंट, चलो। तो सबसे पहला स्टेप याद है ना क्या करना है, बताओ क्या करना है? बैलेंस शीट को खाली करना है। चलो तो बैलेंस शीट खाली करते हैं, अभय की तो खाली भी हो गई, जल्दी से कैच करते हैं अभय के साथ। तो पहले एसेट साइड से खाली करते हैं भाई। तो बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220। तो बिल्डिंग 20,000 और प्लांट 31,220। उसके बाद फिर आपको दे रखा है गुडविल, ये भी खाली कर दो, 10,000। 100 शेयर इन एक्स लिमिटेड 2,400, 1,000 शेयर इन वाई लिमिटेड 10,000, सब खाली कर दो, स्टॉक भी खाली कर दो, डेटर भी खाली कर दो। तो यहाँ तक खाली कर लेते हैं पहले। तो 2 गुडविल 10,000, 2 100 शेयर्स इन एक्स 2,400, 2 1,000 शेयर्स इन वाई 10,000, 2 स्टॉक 11,240 और 2 डेटर्स 8,740। ठीक है जी, सारे खाली हो गए। उसके बाद क्या है, बस और क्या बचा खाली करने के लिए? बैंक तो कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट में। और पेटेंट्स 38,080, तो पेटेंट्स को तो यहीं लिख लो इनके साथ, 2 पेटेंट्स 38,080, और बैंक को नीचे बैंक बैलेंस में लिख लो 2 बैलेंस BD, तो 1,210। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसमें इस चैप्टर की फनी बात यह है कि बाद में ना एग्जाम से पहले बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर वह अगर हम खाली बैलेंस शीट खाली करके आए तो कितने नंबर देगा एग्जामिनर, तो इस पर आपकी क्या राय है? मतलब मिल जाएंगे, आधा एक नंबर मिल जाएंगे,
लेकिन मेन चीज जो होती है वो नीचे की होती है, तो ध्यान रखना, कहीं ये मत सोचना कि खाली बैलेंस शीट खाली कर ली तो चलो चार तो मिल ही जाएंगे। आओ अब लाइबिलिटियां खाली करते हैं। माला, नीला, कला की कैपिटल खाली कर दो और क्रेडिटर खाली कर दो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी खाली कर दो, मतलब पूरी लाइबिलिटियां खाली कर दो। तो कहाँ कहाँ लिखेंगे? बाय क्रेडिटर 11,210, क्रेडिटर के आगे आदमी बनाना है, ठीक है बना लो। उसके बाद बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 20,000, इसके आगे आदमी बनाना है नहीं? ठीक है, प्रोविजन में आदमी नहीं बनाते। और कैपिटल कहाँ लिखेंगे? बाय बैलेंस BD 12,410, 8,650 और 80,620। चलो तो मेरा तो काम खत्म, मेरा काम तो यहीं तक था बैलेंस शीट खाली करवाने का। अब तो मैं बस आपसे पूछ के करूंगा जो आप कहोगे। इट वॉज एग्रीड टू डिजोल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च एंड द टर्म्स ऑफ डिजोल्यूशन वर ए, तो माला पार्टनर टेक ओवर द बिल्डिंग एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 31,500। चलिए बताइए जी, माला ने बिल्डिंग टेक ओवर कर ली 31,500 की, तो क्या सिखाया था? बाय मालास कैपिटल अकाउंट, तो लिख लो बाय मालास कैपिटल अकाउंट 31,500। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होगी? माला के डेबिट साइड पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट 31,500। चलो पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू में लिखा है नीला हु वॉज टू कैरी ऑन द बिजनेस टू टेक ओवर द गुडविल स्टॉक एंड डेटर एट बुक वैल्यू पेटेंट 30,000 प्लांट 5,000 ही वॉज टू पे द क्रेडिटर। चलो तो ये पॉइंट पे थोड़ा सा चाहे स्टार लगा लो, हालांकि कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट कई बार बच्चों को लैंग्वेज से थोड़ा दिक्कत लगती है। तो जो दूसरी पार्टनर है नीला, तो नीला कह रही है कि ये सारा बिजनेस मैं टेक ओवर कर लेती हूँ, तो उसने सब कुछ ही देखो टेक ओवर कर लिया, उसने गुडविल टेक ओवर कर ली, स्टॉक भी, डेटर भी, ये तीनों चीज़ें तो बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर ली, पेटेंट भी टेक ओवर कर लिया 30,000 में, प्लांट भी टेक ओवर कर लिया 5,000 में, और साथ ही साथ उसने कहा है क्रेडिटर भी मैं टेक ओवर कर लूंगी, तो समझ में आ गया नीला ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। तो पहले जितने भी एसेट्स टेक ओवर करे, गुडविल, स्टॉक और डेटर और पेटेंट और प्लांट, पांच चीजें उसने जो टेक ओवर करी, तो क्या लिखोगे आप? बाय नीलास कैपिटल अकाउंट, तो सारी चीजें जोड़ लो, तो गुडविल 10,000 की वो टेक ओवर हो गई, स्टॉक 11,240 का वो टेक ओवर हो गया, डेटर 8,740 के वो टेक ओवर हो गए, 30,000 के पेटेंट्स टेक ओवर हो गए और 5,000 का प्लांट टेक ओवर हो गया। तो एक बार ये सब जोड़ो कि ये सारा जोड़ के क्या आ रहा है, 56। तो सही सही जोड़ना है बच्चों, देखो कटिंग अगर हुई तो फिर नहीं, 64,980, ठीक। और ये भी लिखा था कि नीला ने क्रेडिटर भी टेक ओवर कर लिए, तो क्रेडिटर वाला आदमी काट देते हैं, और इसके लिए कैसे पोस्टिंग करेंगे? टू एंस कैपिटल अकाउंट 11,210, ठीक है भाई, तो सबको समझ आ गया। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग बताइए दोनों बातों की। नीला के खाते में एक तो लिखोगे आप टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे 64,980, और दूसरी क्रॉस पोस्टिंग क्या और लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट
11,210, ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो तो दो पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद सी, सी में लिखा है कला मतलब तीसरा पार्टनर टेक ओवर, उसने क्या टेक ओवर कर लिया भाई, टेक ओवर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, उसने एक्स वाले शेयर्स टेक ओवर कर लिए एट ₹15 ईच। तो एक्स वाले देखो शेयर्स कितने थे, 100 शेयर्स थे, तो कला ने वो टेक ओवर कर लिया। तो अब क्या लिखोगे, इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे, बाय केस कैपिटल। तो उसने 100 शेयर टेक ओवर कर लिए ₹15 के भाव पे, तो कितने का माल हो गया, 1500, ठीक है। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ आएगी, टू रियलाइजेशन, तो लिख लो 1500। और चौथा और आखिरी पॉइंट डी, डी में लिखा है शेयर्स इन वाई लिमिटेड, कह रहा है जो वाई लिमिटेड वाले शेयर्स थे डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो Y लिमिटेड वाले शेयर्स है ना वो भी टेक ओवर कर लिए, लेकिन किस किस ने टेक ओवर कर लिए, पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिए, और किस अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो Y लिमिटेड के शेयर्स कितने रुपए के थे एक बार बताओ, 10,000 के थे ना, तो क्या लिखोगे टेक ओवर के लिए आप, बाय बताओ एम्स कैपिटल बाय एन्स कैपिटल और बाय केज कैपिटल। तो बच्चों जी बताओ, ये पॉइंट सबको समझ आ गया, तीनों ने टेक ओवर कर लिया, तो ये क्लियर है सबको। तो अब बांटो 721 में, 7,000, 2,000 और 1,000। तो 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट था वो तीनों ने टेक ओवर कर लिया, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ आएगी, टू रियलाइजेशन अकाउंट, 10,000, 7,000 और 10,000 सॉरी 7,000, 2,000 और 1,000, 7, 2, 1, ओके। चलो तो सारे पॉइंट हो गए, बस खत्म क्वेश्चन, शो लेजर अकाउंट, बस अब क्लोज कर दो। तो पहले रियलाइजेशन क्लोज करके बताइए जी, किस साइड का क्या टोटल आ रहा है, क्या बैलेंस बच रहा है। तो डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है जी, 142,890। तो 142,890 में से वो सब माइनस करके बैलेंस इधर बच रहा है, मतलब लॉस बच रहा है 3,700। ठीक है, तो आपका ये आ रहा है जी लॉस। तो अब लॉस कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे। तो 3,700 को बांटो 7:2:1 में, कितना, 2,590, 7,40 और 370, ठीक है जी। तो ये बढ़ गया लॉस, ओके। बस अब पार्टनर कैपिटल को क्लोज कर दो, तो एम का डेबिट साइड का टोटल बताओ कितना आएगा, 0,901 और 4,
41090, तो ये माइनस करके बताओ कि कितने रुपए लाएगा एम अपने घर से बाय कैश। टू एट सिक्स एट ज़ीरो, ओके। फिर एन का टोटल करो डेबिट साइड का, ज़ीरो टू सेवन सिक्स सेवन सेवन टू ज़ीरो, तो सिक्स सेवन सेवन टू ज़ीरो में से ये माइनस करो 19860। तो बताओ एन अपने घर से कितने रुपए लाएगा, 47860। और के का तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 80620, तो के कितने रुपए विड्रॉ करेगा, टू कैश अकाउंट, के का बैलेंस 77750, यही कर रहा है, ओके। तो अब इनकी क्रॉस पोस्टिंग, तो एन अपने घर से लाई, मतलब पहले एम लाई 28680, एन लाई 47860, और के कितने ले गई 77750। बस और तो कुछ है नहीं, अब टोटल करके देखो कि क्या दोनों साइड का सेम आ रहा है। तो मैं क्रेडिट का कर रहा हूँ, आप डेबिट का करो, तो मेरा तो क्रेडिट का आ रहा है 77750, तो आपका डेबिट का कितना आ रहा है, यही आ रहा है 77750, मैडम कह रही हैं। तो 77750 आ रहा है डेबिट का भी, ऐसा बच्चे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मतलब टैली हो गया 77750, ठीक है। तो इसका मतलब 8 में से 8 नंबर पूरे, चलो तो समझ आ गया, क्लियर सिंपल। चलिए अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 35, इस पे दो सितारे। एस आर एंड एम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ऑन 31st मार्च देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। चलो तो बैलेंस शीट में बताओ आपको क्या नजर आया, कूड़ा, वेरी गुड, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर लिखा है जी, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, दिल्ली एंड ऑल इंडिया 2018। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो अब आपको पता लगेगा कि 8 नंबर का आता कैसा है। चलो तो बनाओ 3 सुंदर ढांचे, रियलाइजेशन अकाउंट, तो 14 लाइन का बना लो रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर्स हैं, 3 या 2, तीन पार्टनर्स हैं, तो 3 पार्टनर वाला कैपिटल अकाउंट बना लो। क्या नाम है पार्टनर्स के,
SRM और तीसरा ढांचा कौन सा? बैंक अकाउंट। चलो, तो फटाफट सुपर फास्ट स्पीड से रेस लगाते हुए मेरे साथ पहले बैलेंस शीट खाली करते हैं। आ जाओ, सारे एसेट्स लपेट लो एक साथ। कहाँ हैं एसेट्स? तो सबसे पहला दे रखा है कैपिटल मनन की 10,000, ये कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, वेरी गुड। तो मनन की कैपिटल डेबिट साइड लिखनी है बच्चों। तो ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है, सब काट दो। प्लांट उड़ा दो, इन्वेस्टमेंट उड़ा दो, स्टॉक उड़ा दो, डेटर उड़ा दो। पहले ये चार उड़ा देते हैं। तो टू प्लांट, 220, टू इन्वेस्टमेंट 70, टू स्टॉक 50 और टू डेटर 60। उसके बाद जी बैंक, ये कहाँ लिखोगे 10,000? और PNL कहाँ लिखोगे 80,000 का? पार्टनर्स कैपिटल। तो PNL तो पार्टनर्स कैपिटल में लिख लो, 2 PNL है ना, कूड़ा है ये 80,000 का। तो बाटो 80 कितना आएगा? 2:2:1 में 32, 32, 16। और बैंक में 10,000, 2 balance BD। तो एसेट साइड तो हो गई खाली, ठीक है। अब उसके बाद लाइबिलिटियां खाली करते हैं भाई। तो तीनों की सृजन और रमन की कैपिटल उड़ा दो, क्रेडिटर उड़ा दो, BP उड़ा दो, आउटस्टैंडिंग सैलरी उड़ा दो। तो बस सारी उड़ा देते हैं, तो सिंपल है। तो क्रेडिटर्स लिख लो, बाय क्रेडिटर्स 75, बाय BP 40,000, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। क्रेडिटर में आदमी बनाना है, BP में आदमी बनाना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में आदमी बनाना है, बताओ। आपने चपरासी को सैलरी नहीं दी और उसे पता चला कि आपका बिजनेस बंद हो गया, तो वो अब आपके दफ्तर के बाहर खड़ा होगा अपनी सैलरी लेने या नहीं? ये है क्वेश्चन, खड़ा होगा। तो बनाओ आदमी, इससे बड़ी आउटसाइड लाइबिलिटी तो कोई है ही नहीं। सैलरी देके नहीं बैठे हो और फिर कह रहे हो आदमी नहीं है। भाई सैलरी फिर किसको, हवा को देनी थी? सैलरी नहीं देके बैठे तो ये तो आदमी बनाना है पहले। अच्छा जी, फिर कैपिटल बाय बैलेंस BD, सृजन की 2,00,000 और रमन की 1,50,000, 150। चलो, तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया बच्चों, अब आपका काम शुरू। बैलेंस शीट तो खाली करवा दी मैंने, अब इसमें आप स्टार बना लो। चलो दो पॉइंट मुझे सिखाने, एक तो A पर स्टार बना लो और A के साथ ना लिंक कर लेना F वाले को, A और F में लिंकेज है, A के साथ F को लिंक कर लेना, तो हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि थोड़ी क्लैरिटी चलती रहे साथ साथ। इसमें लिखा है सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटी। तो अब एक हम अच्छा पॉइंट सीख रहे हैं, फर्म ने सृजन को अपॉइंट करा, मतलब पार्टनर सृजन को,
कि तुम एसेट्स को डिस्चार्ज बेचो और लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करो, ठीक है। सृजन वॉज टू रिसीव 5% कमीशन। ये देखो ये अच्छी बात इसमें है कि सृजन जो है ना उसको फर्म कह रही है कि तुम्हें हम 5% कमीशन देंगे। अब 5% कमीशन किस चीज़ का देंगे, वो लिखा है ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट कैश। ऑब्वियसली भाई कैश थोड़ी ना बेचा जाता है, तो जो भी एसेट बेचे जाएंगे उस एसेट को बेचने पर जो भी अमाउंट मिलेगा उसका 5% हम क्या देंगे, कमीशन देंगे। पहले आपको लैंग्वेज समझ आ गई सब बच्चों को, यहाँ तक ओके। अब उसके बाद मेरे लिए ज़्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंड लिखा है एंड वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन। तो आपको मैंने सिखाया था कि जो भी आदमी बॉर्न करता है, बियर करता है, तो बॉर्न करने से आपको डेबिट एस्पेक्ट पता चलता है। ये याद है आपको, एक डब्बे में सिखाई थी बातें। तो अगर वो कह रहा है कि सृजन जो है वो बियर करेगा ऑल एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब हम डेबिट किसे करेंगे, सृजन की कैपिटल को। इसका मतलब जो भी खर्चे होंगे ना रियलाइजेशन के लिए, उसके लिए आपको डेबिट किसे करना पड़ेगा, सृजन को। पहले इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। अब वो पढ़ो लास्ट एफ पॉइंट पढ़ो। अब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3000 वर पेड बाय सृजन। तो मैंने आपको सिखाया था कि जो पे करता है उससे कौन सा एस्पेक्ट पता चलता है, क्रेडिट एस्पेक्ट पता चलता है। तो वो लिखा है पेड बाय सृजन, तो इसका मतलब आपको क्रेडिट किसे करना पड़ेगा, सृजन को करना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात क्लियर हो रही है। तो अब इन दोनों पॉइंटों को जोड़ो जरा कि बॉर्न बाय सृजन और पेड बाय सृजन, तो आपको क्या लिखवा रखा है इसका, नो एंट्री। समझ गए बात। तो मतलब ये जो नीला कलर है बेसिकली, ये ऑटोमेटिकली पूरा नीला कलर जो है ये नो एंट्री में तब्दील हो गया। तो एफ पॉइंट तो आपका बेकार ही हो गया, अब एक तरह से नो एंट्री में चला गया और उधर की कहानी भी नो एंट्री में हो गई। तो मतलब इतने पोर्शन के, ब्लू वाले पोर्शन की हमें नो एंट्री करनी है। समझ आ गया पॉइंट। चलो बाकी जो सृजन को कमीशन देंगे हम, उसकी एंट्री मैंने लिखवाई थी आपको अलग से। किसी को याद है कि जब फर्म जो है वो पार्टनर को कहती है हम तुम्हें कमीशन देंगे, इसकी एंट्री किसी को, हाँ तो इसकी एंट्री आपको मैंने लिखवाई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर यानी कि सृजन कैपिटल अकाउंट। तो जो भी हम कमीशन निकालेंगे अभी थोड़ी देर बाद, उसके लिए हम ये जर्नल एंट्री करेंगे थोड़ी देर बाद। तो येलो वाले पोर्शन की ये एंट्री हो जाएगी। तो क्लियर हो गया। तो येलो वाले पोर्शन की ये एंट्री हो गई और ब्लू वाले पोर्शन की नो एंट्री हो गई। ओके चलो, अब बाकी का सवाल जो है वो मेरे लिए सिंपल है। अब बी पॉइंट से देखते हैं, ए तो अभी छोड़ दो। अब बी में लिखा है एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो आपने एसेट बेच दिए, तो एक बार जोड़ लो क्या क्या बेच दिया। प्लांट 85, स्टॉक 33 और डेटर 47 का बेच दिया। और सी भी पढ़ लो एक साथ लगे हाथ। सी में लिखा है इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट 95% ऑफ बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 70,000 की। तो आपने कह रहा है उसको 95% बुक वैल्यू पर बेच दिया, तो एक बार निकालना 70,000 का 95% कितना आएगा, 66,500। भाई 95 का टेबल याद नहीं है, 95 7 6 65, तो यही आ रहा है। तो ये आपने इसका मतलब इन्वेस्टमेंट 66,500 की बेच दी। अब इन चारों को जोड़ लो तो आपको पता लग जाएगा कि चारों चीजें बेच के कितने रुपए मिले। तो इन चारों को जोड़ के मुझे भी बता दो, तो चारों एसेट्स आपने बेच दिए, टोटल कितने रुपए मिले। हेलो बच्चों, बच्चों क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी।
आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। 231,500 तो आप क्या लिखोगे जी? बाय बैंक अकाउंट। तो आपने सारे एसेट्स बेच दिए कितने रुपए के? 231,500 के। तो क्लियर हो गया। अब इसकी क्रॉस पोस्टिंग बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू रियलाइजेशन 231,500। तो आपको ये पता लग गया कि भाई सारे एसेट्स कितने रुपए के बेचे गए हैं। अब पॉइंट ए पर वापस आ जाओ। पॉइंट ए ने कहा था कि जितने के भी एसेट्स बेचे जाएंगे सृजन को कितना कमीशन मिलेगा? 5%। तो 231,500 का 5% निकालिए तो मुझे पता लग जाएगा कमीशन। तो आप भी निकाल के बताओ कितना आएगा। 11,575। तो अब आप इसकी एंट्री क्या करोगे? ये वाली करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर दो और टू सृजन कैपिटल अकाउंट 11,575। तो रियलाइजेशन अकाउंट में लिख लो 2S कैपिटल अकाउंट 11,575 और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन 11,575। तो क्लियर हो गया भाई सब बच्चों को? चलो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। पॉइंट ए बी सी हो चुका था, अब हमें डी पढ़ना है। डी डी में लिखा है इफ फर्म द फर्म हैड टू पे, कह रहा फर्म को देने पड़ेंगे 7500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। तो 7500 हमें एक कोई रिपेयर का बिल था जो पहले नहीं पे करा हमने, अब कह रहा है उसके रुपए आपको देने पड़ेंगे, तो आपको 7500 पे करने पड़ेंगे। तो क्या होगा इसकी एंट्री? पेमेंट्स के लिए क्या लिखवाया था? पेमेंट्स के लिए टू बैंक अकाउंट। तो आप अंदर की तरफ लिख लो 7500, क्योंकि अभी और भी पेमेंट्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद जी ई पॉइंट, तो ई पे आप लगा लो सी का सिंबल। तो ये मैं एक ही बार सिखाऊंगा बस इसी क्वेश्चन में, इसके बाद ये जिस भी क्वेश्चन में आएगा तो मैं तो ये बोल दूंगा कि मैं सिखा चुका। एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो पहले इतना पढ़ के समझना है। Had also materialized and had to be discharged for 15,000. फिर आगे की समझाऊंगा। तो पहले मुझे क्लास 11th का थोड़ा सा याद करवाना है आपको कि ये contingent liability in respect of bill receivable discounted with bank, इसका क्या मतलब होता है वो याद दिलवाता हूँ आपको। जब आप छोटे बच्चे थे आज से 5 साल पहले क्लास 11th में, तो आपको याद है कि आपको एक बिल मिला करता था, आप उसको कहते थे BR। फिर वो बिल आप बैंक के पास ले जाते थे और बैंक को कहते थे कि बैंक बैंक ये बिल तुम रख लो और मैच्योरिटी पर जो ड्रॉई होगा उससे पैसे तुम ही ले लेना, हमें तो इसके बिल के बदले में आज ही पैसे दे दो। तो आप आज अपना बिल बैंक से क्या करवा लाते थे? डिस्काउंट करवा लेते। तो ये स्टोरी याद है आपको, इसको बोलते थे बिल डिस्काउंट करवाना। तो ये जो बिल डिस्काउंट करवाया जाता है ना कभी भी, ये हमारे लिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है। अब आप कहोगे सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब?
कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब ये कि ये पूरी रूप से लाइबिलिटी नहीं होती, बैलेंस शीट में नजर नहीं आती, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे नजर आती है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये लाइबिलिटी क्यों है, तो कौन बताना चाहता है कि ये लाइबिलिटी क्यों है मेरे लिए? भाई आपने बिल बैंक को दे दिया, पैसे लेके घर आ गए, अब इसमें लाइबिलिटी की क्या बात है? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही मुद्दे की बात ये। तो ये लाइबिलिटी ये है कि मान लो ड्रॉई ने मैच्योरिटी पे कहा कि मैं नहीं दे रहा पैसे, जो करना है कर लो, तो बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा? आपकी। बैंक तो किसकी गर्दन पकड़ेगा? ड्रॉअर की। तो जब भी हम बिल डिस्काउंट करवाते हैं ना बैंक से, तो हम पर एक थोड़ा सा खतरा भी मंडरा रहा होता है कि अगर ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए तो फिर लाइबिलिटी हमारी होगी। समझ आ गया पॉइंट आपको? याद आ गई स्टोरी 11th की? तो अब हमारा बिजनेस बंद हो गया या जो भी कहानी हुई, अब आगे की स्टोरी पढ़ो। तो आगे लिखा हैड ऑल्सो मटीरियलाइज्ड, मतलब जिस बात का डर था वही हुआ, एंड हैड टू बी डिस्चार्ज्ड, मतलब अब आपको इसके पैसे भी देने पड़ेंगे, बैंक ने आपकी गर्दन पकड़ ली 15,000 रुपए, तो ये भी आपके लिए अब क्या है, एक तरह से पेमेंट, लाइबिलिटी पेमेंट है, तो इसको भी आप 15,000 को इधर पेमेंट्स में जोड़ लो, 15,000। तो ये मतलब थोड़ा सा इंग्लिश इसकी ऐसी थी, इसीलिए इसको हमने समझ के लिख लिया। तो समझ आ गया, तो ये भी पेमेंट आपने कर ली। उसके बाद एफ पॉइंट, एफ पॉइंट का क्या करना है? एफ पॉइंट तो समझा ही चुका, नो एंट्री, तो एफ का कुछ नहीं करना। चलो खत्म हो गई कहानी, तो बस क्लोज कर दूं या कुछ और करना है? तो आपके ऑफिस के बाहर 3 लोग खड़े हैं अभी भी, देखो, तो अब उन 3 को आपको अपने आप पे करना पड़ेगा, या आपका अब धर्म है। तो क्रेडिटर को काटो और लिखो पेमेंट में 75, बीपी को काटो और लिखो पेमेंट में 40, आउटस्टैंडिंग सैलरी को काटो और लिखो पेमेंट में 35। तो अब आप जोड़ करके सारा बताओ टोटल पेमेंट कितनी हुई, 172,500 की पेमेंट कर दीजिए बच्चों। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ होगी? बैंक अकाउंट में, बाय रियलाइजेशन 172,500। तो समझ आया सब बच्चों को? बस अब मेरा खेल तो ख़त्म, आपका खेल शुरू। तो अब रियलाइजेशन क्लोज करके बताओ कि क्या आएगा, कहाँ आएगा, क्या है? डेबिट का आ रहा है 584,075, डेबिट का ज़्यादा आ रहा है, तो आपका बैलेंस इधर बचेगा भयंकर तरीके से, यानी कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है इस बार। तो बताओ कितने रुपए का लॉस हुआ है? 202,575, 202,575। तो अब ये लॉस किसे मिलेगा बताओ? पार्टनर्स को। तो इसको 2:2:1 में बांट दो, 40,515 और पहले वाले दोनों का 81,030 और 81,030, तो बस ये लॉस आ गया। तो क्लियर है भाई प्रक्रिया? अब टोटल कर लो, तो एस का टोटल आ रहा है 211,575। तो बताओ एस कितने रुपए घर ले जाएगा? टू कैश 98,545।
उसके बाद आर बताओ, आर आर कितने रुपए घर ले जाएगा? 36,970। और एम का टोटल तो इधर का ज्यादा आ रहा है, 66,515। तो बताओ एम अपने घर से कितने रुपए लाएगा? बाय कैश 66,515। तो बस इन्हें बैंक में लिख लो, 2M 66,515 by S by R 98,545 और 36,970। तो अब करो दोनों साइड का टोटल कितना आ रहा है, 3,08,015 रुपये, 3,08,015। तो क्लियर है? तो सब बच्चों को ओके भाई बोलो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, सर कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है क्या? मुश्किल बच्चों है नहीं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में यही बात है। तो अब 30 करके देखते हैं, क्या पता 30 मुश्किल हो, तो इस पर भी आप एक स्टार तो लगा ही लो। माइकल जैक्सन एंड जॉन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 1/2, 1/3, 1/6। तो इसका मतलब क्या होता है, 3:2:1। On 31st March, they decide to dissolve the partnership and the position of the firm on this date is ये। तो बताइए जी बैलेंस शीट में आपको क्या क्या नजर आया? पार्टनर का लोन सबसे पहली निगाहें तो यहाँ गई, उसके बाद मटका मजदूर वाला। तो इसमें देखो दो दो स्पेशल पॉइंट आ गए, दोनों स्पेशल पॉइंट थे, और दो दो कूड़े, दो दो कूड़े। चलो ठीक है, फिर लिखा है जी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आइए तो बनाइए तीन ढांचे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो आपने देखा बच्चों पूरा चैप्टर में आपको बस यही लेजर बनाने हैं। कितना सिंपल चैप्टर है ये, रियलाइजेशन। दूसरा ढांचा कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं। क्या नाम है पार्टनर्स के बताओ ना, पार्टनर एम जे जे। ठीक है, उसके बाद तीसरा ढांचा बैंक अकाउंट, और एक और बना रहा हूँ मैं, बताओ कौन सा। मैं तो चौथा ढांचा कौन सा बना रहा हूँ, पार्टनर्स लोन अकाउंट। चलो जी, तो अब बैलेंस शीट खाली करेंगे सुपर फास्ट तरीके से, जितनी फास्ट हो सकता है उतनी फास्ट।
चलो तो सारे एसेट्स एक बार में कर दो खाली, कैश एट बैंक 3,000 कर देंगे, स्टॉक, डेटर, लैंड और ये दोनों कूड़े, कूड़े कहाँ दिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। चलो तो स्टॉक, डेटर और लैंड को तो रियलाइजेशन में लिख लो, तो टू स्टॉक, टू डेटर और टू लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद दोनों कूड़े टू PNL कहाँ लिख लो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 3:2:1 में बांटो, 7,500, 5,000 और 2,500, 3,000, 2,000, 1,000 और बैंक टू बैलेंस BD कितना है? 3,000। ठीक है, तो एसेट खाली हो गए भाई। अब लाइबिलिटियां खाली करो जल्दी से, सारी एक बार में ही कर देंगे। क्रेडिटर तो खाली हो जाएगा, बताओ लोन बाय माइकल ये कहाँ लिखोगे? ये चलो आप बताओ, लोन अकाउंट में। हाँ, लोन बाय माइकल बाय बैलेंस BD, तो थोड़ा बस इसका ध्यान रखना है भाई, माइकल का पार्टनर का लोन है ना, तो इसको मत रियलाइजेशन में लिख लेना जोश में। बाकी सब अपना खाली कर दो और कोई टेंशन नहीं है बाकी। अच्छा मटका, ओ मटके का क्या होगा? बाय WCR नहीं होगा सर, मटके का ट्रीटमेंट स्पेशल बताया था आपको। मटके के लिए ये देखना पड़ेगा सवाल में कि किसी मजदूर का हाथ वात तो नहीं कटा, तो एक बार आप नीचे अब पढ़ना पड़ेगा, अब तो मजबूरी होगी बच्चों क्योंकि मटका आ गया, तो देखो कोई किसी मजदूर का हाथ कटा है क्या नीचे? नहीं कटा, तो अब ये मटका कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के पास। याद आ गया स्टोरी? बोलो ना, या तो या हाँ करो या ना। भाई मटका जो है WCR अगर कोई क्लेम नहीं है तो कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स के पास। तो ये तो याद है ना, तो 21,000 को बांटो 3:2:1 में, 10,500, 7,000 और 3,500। बस बाकी तो कैपिटल थे वो भी ट्रांसफ़र कर दो, तो लायबिलिटी भी खाली हो गई भाई, मुबारक हो। 60, 40 और 10। चलो तो मेरा काम तो ख़त्म। तो यहाँ तक कोई तकलीफ? चलो अब आप बताओगे, बस अब मेरा काम तो ख़त्म, अब आप पढ़ेंगे और अपने आप बताएंगे। तो कह रहा है भैया, अच्छा ये मुझे बताना है, तो इस पे स्टार लगा लो, जो मैं येलो करूँगा उतने ब्रैकेट को आप स्टार बना लो, बस ये मुझे सिखाना है, बाकी सब आपको ही करना है। ये पॉइंट मैं सिखाऊंगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है ड्यूरिंग द रियलाइजेशन प्रोसेस, रियलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान, ए लाइबिलिटी अंडर सूट फॉर डैमेजेस। तो ये एक सूट फॉर डैमेजेस, ये तीन अक्षर जो आ गए ये एक्चुअल में लॉ की टर्मिनोलॉजी है। कोई बच्चा क्लैट की तैयारी कर रहा है, क्लैट की उसे पता होगा। तो सूट फॉर डैमेजेस जो होता है ये लॉ की टर्मिनोलॉजी होता है। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनना भाई। मान लेते हैं आपकी साबुन की दुकान है या साबुन का कारोबार है, और आपने अपना एक साबुन किसी ग्राहक को बेच दिया। अब वो ग्राहक कह रहा है कि आपके साबुन से नहाने के बाद मुझे खुजली हो गई, और उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मुझे तो अब इस कंपनी के खिलाफ जो है भाई 20 कुछ पैसे चाहिए, डैमेजेस चाहिए, क्योंकि मेरे को खुजली हो गई इसके साबुन से नहा के। तो इस आदमी ने कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट जो होगी वो अब आपके खिलाफ फैसला सुना सकती है। मतलब अगर कोर्ट को लगेगा कि वाकई में आपके साबुन में गड़बड़ थी, कंज्यूमर कोर्ट में, है ना। तो सूट फॉर डैमेजेस का मतलब ये होता है कि कोई कस्टमर जो है वो हमसे डैमेजेस मांग रहा है, डैमेजेस मतलब पैसे मांग रहा है,
और सूट का मतलब होता है कि उसने कोर्ट में केस कर रखा है हमारे खिलाफ, तो ये लॉ की टर्मिनोलॉजी होगी सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है ना। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप लॉ पढ़ें तो उसमें आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आगे की अंग्रेजी वो इंपॉर्टेंट है। इज सेटल्ड एट 20,000 रुपये एज अगेंस्ट 5,000 रुपये प्रोवाइडेड फॉर इन द फर्म्स इन द बुक ऑफ द फर्म। तो ये मुझे थोड़ा ध्यान से आपको समझाना है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार आप अपनी बुक्स देखो, और बुक्स में मैं थोड़ा क्रेडिटर्स पर फोकस कर रहा हूं, ठीक है ना। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, चलो आप बताओ क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा देना है ना। तो मान लेते हैं, मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए 4 क्रेडिटर्स बना लेता हूं। पहले क्रेडिटर को मान लेते हैं मुझे देने हैं 10,000, ठीक है जी। दूसरे क्रेडिटर को भी मुझे देने हैं 10,000। तीसरे क्रेडिटर को मुझे देने हैं 15,000। और जो ये चौथा क्रेडिटर है, ये वही वाला कस्टमर है जिसने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं केस हार जाऊंगा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसको मैं थोड़ा बादल में ले आता हूँ। तो कुल मिलाकर अगर मान लो मेरे 4 क्रेडिटर्स हैं, तो ये टोटल कितने के बन गए, 40 के बन गए, है ना। 10, 10, 15 और 5। अब मजेदार जो स्टोरी है वो इसमें ये है कि ये जो कस्टमर है 5,000 रुपये वाला, मतलब जिसको मैं सोच रहा था कि 5,000 रुपये ये मांगेगा हमसे, कोर्ट का जब आदेश आया, दोबारा से लाइन पढ़ो, सूट फॉर डैमेजेस के बाद लिखा है सेटल्ड एट कितने रुपए लिखा है, 20,000। इसका मतलब ये, एज अगेंस्ट 5,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स, इसका मतलब ये कि ये जो आदमी है जिसको मैं तो सोच रहा था कि ये 5,000 लेगा मुझसे, कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो मुझे इसको 5,000 नहीं देने पड़ेंगे, मुझे अब इसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 20,000। क्योंकि कोर्ट ने कितने रुपए में सेटल करा इसको, 20,000 रुपए में। तो नाउ आई हैव टू पे हाउ मच रुपी, 20,000। तो आपको समझ आ गया पॉइंट। तो मैं इस एक आदमी को काटूंगा बस, इसका मतलब बाकी लाइबिलिटियां अभी भी एज इट इज चल रही होंगी, लेकिन इस एक आदमी को काट के मैं कितने रुपए पे करूंगा, 20,000। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो मैं इसका ट्रीटमेंट लिख लेता हूं। तो इस लाइन का ट्रीटमेंट क्या बन जाएगा पेमेंट का, मतलब मैं पहले ही लिख देता हूं एडवांस में, क्योंकि मैंने पढ़ लिया, टू बैंक अकाउंट। तो हमें 20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, अंदर लिख लेते हैं पेमेंट 20,000। तो अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो आप ये बताओ कि आपको समझ आ गई वो अंग्रेजी कि हमें कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, 20,000। अच्छा, क्रेडिटर्स जो है वो मैंने रियलाइजेशन में नहीं लिखे थे, वो भी लिख देता हूं। तो ये लो, दोबारा यहां स्टोरी बना देता हूं, देखो दोबारा यहां स्टोरी बना देता हूं। तो मेरे मान लेते हैं 4 क्रेडिटर्स थे, ऐसी इमेजिनरी लिख रहा हूं, 10,000 का 10,000 का 15,000 का और ये आखिरी वाला 5,000 का जिसने कोर्ट में केस कर रखा है। तो अभी तक बस मेरा एक आदमी कटा है, ये जिसने कोर्ट में केस कर रखा है बस। तो इस आदमी को मैंने कितने रुपए पे करने हैं, 20,000। तो आपको समझ आ गई स्टोरी, बस ये है वो स्टोरी। अब हम बाकी सवाल कर लेते हैं। चल अब आगे तो क्या कह रहा है पढ़ लो। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड फॉर 40, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 30 और 42 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो, तो आपने 3 चीज़ें बेच दी, तो क्या लिखोगे बताओ, 40 और 30 70 70 और 42, 1,12,000। तो क्या लिखोगे एसेट बेचने के लिए, बाय बैंक अकाउंट 1,12,000। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कहाँ कर लोगे, टू रियलाइजेशन 1,12,000, 1,12,000। चलो, उसके बाद द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200, खर्चे हो गए 1,200 के, तो ये कहाँ लिखोगे, पेमेंट डेबिट साइड टू बैंक, तो इसी में जोड़ लो अभी खर्चों में 1,200। उसके बाद नेक्स्ट, देयर वॉज ए कार इन द फर्म, कह रहे हमारे पास एक गाड़ी थी विच वॉज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स,
जो हमने किताबों से हटा दी थी, इट वॉज टेकन बाय माइकल, माइकल ने इसको टेक ओवर कर लिया 20,000 में। तो माइकल ने एक एसेट टेक ओवर कर लिया, तो बताओ क्या एंट्री, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट 20,000। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग टू रियलाइजेशन 20,000। उसके बाद जी ही ऑल्सो एग्री, वो कह रहा है मैं टेक ओवर कर लूंगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 20,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स, वो एक लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तो उसने एक लाइबिलिटी भी टेक ओवर कर ली आउटस्टैंडिंग सैलरी की, जो बुक्स में भी नहीं थी। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग बाय रियलाइजेशन 20,000। उसके बाद जी बस खत्म, क्वेश्चन तो कह रहा है प्रिपेयर ये। चलो तो अब बताओ क्लोज कर दें या आपके ऑफिस के बाहर कोई खड़ा है, क्रेडिटर्स खड़े हैं ना, मतलब वो बाकी बचे वाले तो खड़े हैं, बस एक कट गया था 5,000 वाला, तो बाकी बचे हुए कितने बचे हुए हैं, 10, 20 और 15, 35। तो इन 35 को भी आप अपने आप पे कर दो, तो इन्हें भी काट लेते हैं, तो पेमेंट में 35 और जोड़ लो, तो कितना आ गया जी 56 दो। चलो तो अब आप टोटल शोटल करके बताओ क्या आ रहा है, डेबिट का आ रहा है बच्चों 233,200। तो डेबिट का ज़्यादा आ रहा है 233,200, तो आपका लॉस बचेगा बताओ कितना 61,200। तो 61,200 को अब बांट लेते हैं, क्या है रेशियो 3:2:1। तो डेबिट साइड में लिख लेते हैं टू रियलाइजेशन 30,600, 20,400 और 10,200, तो ये लॉस आ गया बस। अब निकाल लो, माइकल का टोटल आ रहा है 90,500। तो बताओ माइकल कितने रुपए लेके जाएगा घर, 29,400। जैक्सन का टोटल 47,000। तो बताओ जैक्सन का क्या बैलेंस बच रहा है, जैक्सन का 19,600। इसका इधर का ज़्यादा आ रहा है 13,700। तो ये कितने रुपए घर से लाएगा बाय कैश बताओ, 200 रुपये। तो बस बाय माइकल 29,400, बाय जैक्सन 19,600, बाय रियलाइजेशन आपने पेमेंट कितने की करी थी वो 56,200 की, और टू जो आखिरी वाला जे है वो 200 रुपये लाया, और माइकल के लोन में क्या होगा बताओ 10,000। आप क्या करोगे माइकल के लोन का, टू बैंक अकाउंट पे कर दोगे, है ना, तो माइकल का लोन भी पे कर दो 10,000।
क्योंकि माइकल के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस ही बच रहा था ना, तो टेंशन नहीं थी कोई। तो माइकल के लोन के 10,000 भी पे कर दो। तो अब आप टोटल करके बताओ कि क्या आ रहा है। तो मेरा तो आ रहा है 115,200। ठीक है, समझ आए कहानी? सर एक क्वेश्चन हमें दो आप। तो बच्चों बस एक लास्ट क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप कर लेना अपने आप। अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको देंगे, 23 बस। तो फिर हमारी आज की कहानी समाप्त हो जाएगी। तो 23 में पढ़ लेते हैं साथ साथ, करना आप ही को है तो मैं बस पढ़ूंगा साथ साथ। बेल एंड येल आर इक्वल पार्टनर्स, ठीक है। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च। तो एक बार बैलेंस शीट देख लो। बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आ रहा है? चॉकलेट, ठीक है, और पार्टनर्स लोन, लोन बाय बेल नजर आ रहा है 3,000। बस मुझे इसमें एक पॉइंट समझाना है, बस वो मैं समझा के आप पे छोड़ दूंगा। अब इसमें बस जो पॉइंट सी है, बस उस पर आप एक छुटकू सा सितारा लगा लो, बस उसका रोल है। तो लोन बाय बेल जो है उसके बारे में एक जानकारी दे रखी है, वो पहले पढ़ लेते हैं, उसको डील करना मैं सिखा देता हूँ। बाकी तो देखो सब आपको आते ही, एसेट बेच दिए आप कर लोगे, येल ने फर्नीचर ले लिया आप कर लोगे, 2500 खर्चा हो गया आप कर लोगे। अब सी पॉइंट में ये लिखा है, बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, ठीक है ना। चलो तो आप मेरे साथ बस एक ये बना लो जो मुझे सिखाना है। बेल का लोन अकाउंट बनाओ जो उसने बोला हमें बनाने को, तो एक बार वो बना लो बस, बाकी सब आपको करना है। तो बेल का लोन अकाउंट आप पहले मेरे साथ बना लो। चलो तो अब देखो जी, बेल का लोन कितना दे रखा है बैलेंस शीट में? 3,000। तो आप इसको काट के कहां पे लेके जाओगे? बाय बैलेंस बीडी 3,000, है ना। अब सी पॉइंट में दोबारा से पढ़ो अंग्रेजी, लिखा है बेल एग्री टू एक्सेप्ट 2500। बेल कह रहा है मुझे 2500 दे दो बस इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। तो बेल को आप कितने रुपए दे रहे हो? 2500। और वो कह रहा है मैं सेटल हो जाऊंगा। तो अब देखो, तो आप बेल को कितने रुपए दे रहे हो? 2500। तो आपकी क्या एंट्री बनेगी? टू बैंक अकाउंट 2500, है ना। और मान लो एक बार को मुझे इसकी क्रॉस पोस्टिंग करनी भी हुई बैंक अकाउंट, जब आप बनाओगे तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैसे कर लोगे बैंक अकाउंट? बाय बीज लोन, है ना। तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे इसकी चिंता नहीं है, मुझे पता है इतना तो आप कर लोगे। मुझे जो चिंता है वो ये कि बेल के लोन अकाउंट में लेकिन अब 500 रुपये बच रहा है। भाई बेल का लोन 3,000 का था, लेकिन बेल ने तो कह दिया कि मुझे 2500 रुपये दो फुल सेटलमेंट में, है ना। तो आप यही करोगे, अमाउंट की पोस्टिंग तो यही होगी, तो आपके 500 रुपये बैलेंस बच रहे हैं अभी भी। तो अब आप मुझे बताना कि क्या यहाँ पर मैं टू बैलेंस सीडी लिख दूँ 500? नहीं, क्यों नहीं लिखना है? तो टू बैलेंस सीडी क्यों नहीं लिखना? क्योंकि लोन खत्म हो गया, फॉर्म भी बंद हो गई और उसने बोला लोन सेटल हो गया, 500 रुपये अब आपको देने नहीं। तो 500 रुपये क्या लिखे हम, ये क्या है हमारे लिए? टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये बच्चा देखो होशियार है, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा। तो हमारे लिए ये 500 रुपये एक तरह से क्या हो गए बच्चों? फायदा, है ना।
तो आपको ये 500 रुपए क्या लिखने पड़ेंगे खाते में, टू रियलाइजेशन। और इसकी क्रॉस पोस्टिंग कैसे होगी? हाँ, तो बस मेरा काम खत्म, अब सवाल आपके हवाले। तो बस अब आप आगे पूरा अपने आप करें, टैली करें, मुझे जो सिखाना था वो समाप्त। तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में, आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी, या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है। तो ठीक है, बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है? और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा, मुझे क्या है? मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है, बच्चों की मर्जी, इनके नंबर भी कटेंगे ना, इनको मोटिवेशन मिलेगी ना, इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा, ठीक है कोई बात नहीं।